हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर आई थिंक 14 वाटर। यस, 14 वाटर। सो स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर टॉपिक चल रहा था और इवेपोरेशन डिस्कस कर चुके थे एंड अवर टुडेज टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन। ओके, सो वॉट इज प्रेसिपिटेशन? द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स से जो वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन होते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। ठीक है, किस वजह से? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, किस फॉर्म में? या तो रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, सो इस बात को अपने माइंड में रखेंगे, जो हमारा रेन होती है या स्नो होता है तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है, उसका फॉल डाउन प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स आर कलेक्शंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स क्या होता है? कलेक्शन होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, मीन्स वेपर का। ठीक है, वेपर भी तो एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स का ही तो कलेक्शंस हैं। ठीक है, सो क्लाउड्स आर कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। भाई जो स्टीम हमारी होती है उसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, सो उसी से ही हमारे क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं एयर के साथ मिक्स करके। ठीक है, सो क्लाउड्स आर कलेक्शंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। समटाइम्स दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम्स टुगेदर। ठीक है, कभी कभार ये क्या होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं नीचे एंड फॉर्म बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स, कभी कभार देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। ठीक है, सो दीज लार्ज ड्रॉप्स बिकम सो हैवी दैट द एयर कैन नॉट होल्ड देम। ठीक है, इसमें एयर होल्ड नहीं हो पाती है क्योंकि इसका वेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। Thus they fall on the earth in the form of rain. Sometimes small crystals are observed along with rainfall. कभी कभार क्या होता है, small crystals भी observe किए जाते हैं along with rainfall के along, because the rain drops freeze before falling. क्योंकि जो rain drops होता है वो falling से पहले किस positions में होता है, freeze। ठीक है, ऑन अर्थ, अर्थ पर आने से पहले फ्रीज, ठंडी पोजीशंस में होता है, फ्रीज पोजीशंस में होता है। तो इसमें हमको क्रिस्टल्स छोटे छोटे समझ में आते हैं। सच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड हेल, और इस फॉर्म को प्रेसिपिटेशन का हेल कहा जाता है, जब हमको क्रिस्टल्स जैसे ओले टाइप के जो नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो बरसात के साथ ओले जो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं उसको हेल बोला जाता है। ठीक है, हेल ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन की हेल फॉर्म होती है। तो एक बार, अच्छा टॉपिक है, एक बार मैं सोच रहा हूँ रिवाइज कर दूँ। द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स आर कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। समटाइम्स दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टूगेदर एंड फॉर्म बिग drops of water. These large drops become so heavy that the air cannot hold them. Thus they fall on the earth in the form of air. Sometimes small crystals are observed along with rainfall because the raindrops freeze before falling on the earth. Such form of precipitation is called hail. Okay, and is टॉपिक का लास्ट है हमारा टॉपिक, लास्ट हेडिंग है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। थोड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन ये बात सच है। ठीक है, कि जो हमारी लीव्स होती है प्लांट्स की, इसमें भी वाटर वेपर्स जो होती हैं एक्सेस होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, मींस इन टाइम जो ये होल्स होते हैं लीव्स में, हमारे पत्तियों में, ये वाटर वेपर को
एक समझिए स्टीम के फॉर्म में लॉस करती हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्लांट लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इस प्रोसेस को प्लांट्स की क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंटेस्टाइन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ विंड एट्सेट्रा। ओके, सो आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया होगा। सो आई रिपीट, ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस इन विच, कभी कभार आपने देखा होगा, ये देखने को वैसे मिलता नहीं है, ये साइंटिफिक रीज़न है कि जो हमारे पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती हैं, मींस अपनी लीव्स में जो इनके होल्स होते हैं उसके थ्रू वाटर लॉस करती हैं, ठीक है, मींस वेपर फॉर्म ऑफ वाटर को एक्सेस करती हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंटेस्टाइन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ द विंड। ओके, सो एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है, मैंने बोला था कि वर्कशीट अब ऑफलाइन नहीं आएगी, जो बच्चे वीडियोस को सीन करेंगे उन्हीं को ही वर्कशीट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो वीडियो के लास्ट में एक वर्कशीट आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इवेपोरेशन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज प्रेसिपिटेशंस, व्हाट इज द हेल, व्हाट इज अंडरग्राउंड, सॉरी व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, और सभी लोग क्लासेस लेते रहें अच्छे से। ओके, और आपको जो है वो तो मैं भेजता ही रहूँगा, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन इसमें और इंक्रीज कर लीजिए, फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दो क्वेश्चन और हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, एक्सप्लेन फ्रीजिंग इवेपोरेशन, सॉरी इवेपोरेशन, सो मैंने पूछ लिया है, सॉरी, ये इवेपोरेशन यहाँ कट करके फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ना, बॉइलिंग कर लीजिएगा, बॉइलिंग ना करके मेल्टिंग कर लीजिएगा, व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग एंड एक्सप्लेन मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके वर्कशीट से रिलेटेड। ओके, सो बाय, टेक केयर।